संसार का पानी ये सब पीकर कितित्व उसमें और जो कुछ खाया जैसा था तैसा सब कुछ पहले जैसा भर गया। तब ब्रह्मवासियों ने से कहा गिरिराज जी ने वर मांगो वर मांगो। तो ब्रह्मवासी लोगों ने कहा हमारा पुत्र कृष्ण निर्विघ्न है उसमें बड़ी की पत्तियां आ रही हैं और जो किसी ब्रह्मांड का जिसे भय भी भय करता है आज उसके लिए ब्रजवासी लोग अपना साधारण पुत्र मानकर और कह रहे हैं विघ्न बाधा न आए प्रार्थना करें ये बात समझे रस साफ करके भाव गोपियों ने ब्रजवासी में कभी कृष्ण को भगवान नहीं कहा। यद्यपि कृष्ण ने अपने मुख में विष्णु ब्रह्मांड दिखलाया और भी ऐसी ऐसी लीलाएं की गिरिराज को धारण करना सहज काम नहीं है ये तो भगवान की ऐश्वर्य लीला है। किंतु फिर भी ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण ने नहीं नंद बाबा की आराधना से नारायण ने प्रसन्न होकर के इनको और गोपियां की पृथ्वी पर गिरिराज को रख दिया यदि नीचे गिरे तो जला करके भस्म कर दे और सखाओं ने डंडे लेकर के कृष्ण की सहायता के लिए लगा दिया और ब्रज की जो गोपियां जो कृष्ण के सामने अभी तक नहीं आती थी वो राधा की ललिता विशाखा सब गोपियां एकदम निकट के आकर के कृष्ण के इस लीला कर दे। आज पहली बार आमने सामने देखा मिला ब्रजवासियों को बल देकर के अंतर्ध्यान हो गए जो गिरिराज जी प्रकट हुए थे और ब्रजवासी लोग खूब छक करके खाया सबको खिलाया जैसे आज हम लोगों ने सबको खिलाया आप लोगों ने सबको खिलाया ऐसे ही ब्रजवासियों ने अपने खाया सबको खिलाया और बड़े आनंद में मग्न होकर के गिरिराज जी की कीर्तन करते हुए परिक्रमा की। कोई छकड़े पर गाड़ी पर बैठ गया बूढ़ों को बैठा दिया बूढ़ों को छकड़ों पर बूढ़ियों को बैठा दिया गाड़ियों पर और सब ब्रजवासी लोग गान करते हुए और गन्ना चूसते हुए और अन्नपुर का जो प्रसाद था उसको भी कभी कभी बीच बीच में खाते और इस तरह से आराम के साथ में ये 14 दिन की गोवर्धन की परिक्रमा हम लोगों ने भी पहले दिन किया था परिक्रमा का और कल हम लोग सवेरे यहाँ से चल करके छोटी परिक्रमा करेंगे उसमें उद्धव कुंड आएगी बीच में सखी स्थली आएगी सखी स्थली को हम जाएंगे नहीं पाए रख करके चलेंगे सखी स्थली ये चंद्रावली ललिता चंद्रावली पद्मा सत्या इत्यादियों का सत्यों का स्थान है पाए रख करके हम आगे बढ़ेंगे उद्धव कुंड जाएंगे उद्धव जी वहां खास होकर के करोड़ों करोड़ों जन्मों के करोड़ों करोड़ों घाट होकर के गोपियों की चरण भूमि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग भी उद्धव जी को प्रणाम करेंगे और तीन गोपियों की चरणों में प्रणाम करेंगे और उसके बाद में शिव खोर आएगा शिव खोर के बाद में और आगे बढ़ने पर हमारा गौड़ीय मठ आएगा जिसको प्रभुपाद ने संस्थापित किया था कुंजबिहारी गौड़ीय मठ और फिर बाद से रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि पीठ में हम लोग जाकर के उसकी परिक्रमा करेंगे और वहीं पर हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी की महिमा और
राधा पूजा की महिमा, ये सब हम लोग वर्णन करेंगे। तत्पश्चात वहां से परिक्रमा करते हुए जुगल घाट पर राधा कृष्ण जुगल संगम स्थली लीला जोशी पर हम लोग दोनों कुंडों में जो लोग स्नान करना चाहते हैं स्नान करेंगे, आचमन करेंगे और फिर वहां से हम लोग यहाँ पर पहुंचा है। और दोपहर का अनुसार यही मठ में ही होगा। So today, by the special mercy of Sri Kiraj Maharaj, Sri Mahaprabhu Radhakrishna Guru Parampara, today in the most excellent fashion, all observed, Anukut Mahamahan Kiraj Maharaj Ki. Today, by the special help of Mr. Kaholi from Delhi, and also all the devotees on our parikram who remained awake all night and prepared many thousands of preparations. Today is a matter of great good fortune that all have the chance to perform the Abhishek of Kiriraj Maharaj. And we bathed him with five ingredients, milk, yogurt, sugar, honey, and water. And we could drink that Charamrita. On this day, in the pastime of Krishna, Krishna, on the inspiration of Krishna, Nanda Upananda Sunanda, the Lord of Vrijavasi, took the food offerings that were meant for Indra, and offered the two to Kiriraj Maharaj. They came to Aminogram, and there they offered everything to Govardhan. At that time, Krishna himself, taking a two-armed form, he came on top of Kiriraj, and with his long hands, he took all the offerings and cried, Anayor, Anayor, bring more. Finally, Kiriraj was eating everything, and he was calling, bring me more. Then Krishna said on behalf of everyone, O Kiriraj, we are poor Vrijavasis. We cannot bring anything more. Everything we have, we have given to you. Please be satisfied. Saying that, Kiriraj also drank the water of Manasiganga, Kushan Sarova, etc. and said, Tripto Smi, I am satisfied. And by the grace of Kiriraj Maharaj, all the prasadam returned as normal. That's when Kiriraj offered a benediction to the Vrijavasis. What do you want? All the Vrijavasis, they never thought of Krishna as the Supreme Lord, as the creator of unlimited universes. Even death personified is afraid of the name of Krishna, but the Vrijavasi only thought of him as our son, our friend, and our beloved. Therefore, the Vrijavasis prayed. Many problems come towards Krishna. So please be kind and take away all obstacles from him. May he be happy. Therefore, even though this pastime is full of great opulence, such as lifting Govardhan is not an easy feat. And when Krishna showed in his mouth all the unlimited universes, despite manifesting so much opulence, the Vrijavasis thought that Krishna was their own friend, not as the Supreme Lord. They thought Narayana Saranguna. Because the Supreme Lord is pleased with the austerities of Nanda Baba, therefore he sometimes infuses Krishna with some special potencies. Actually, the gopis were thinking, we are holding Govardhan aloft by our glance. Oh, Govardhan, if you fall down, we will break you into pieces. And the cowherd boys had their sticks, and they were, we were also lifting Govardhan. This is the first time that the gopis such as Radhika, Lalita, Vishaka could come very close to Krishna. Therefore, all had their desires fulfilled. After Kiriraj offered his benediction, that form disappeared. And all the Vrijavasis ate to their complete satisfaction all prasad that was there by the mercy of Kiriraj Maharaj.
and in great ecstasy they perform parikram. They follow the old ladies on the goat carts, and then with kirtan they perform the parikram of the Iras Maharaj. They were chewing sugar cane, and sometimes eating samosas and stuff. They were left over from the boga. Tomorrow we will also perform the parikram. We will perform the second half of our Govardhan parikram, keeping the place of Chandravali, Sakistali on our left side. We will come to the place of Udo, where Udo prayed to become a piece of grass to achieve the puttas to the gopis. In thousands of kalpas, Udo has prayed. Thus there are thousands and thousands of Udos there in the forms of blades of grass. Offering up renown to Udo and the puttas to the gopis, we will come to Radhakund. First we will go to the Gaudiya Math established by Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Dadashi Kunja Bihari Gaudiya Math. Then we will come to the Samadhi study of Sri Raghunath Das Goswami. And there from the devotees we will hear the glories of Sri Raghunath Das Goswami and Radhakund. Then at the Sangam, the joining place of Radhakund and Shankund, those who have desire can take bath. But also be very careful because taking bath is a little dangerous. Some years ago, one boy went into Radhakund and drowned in the middle of hundreds of people. So all parents should take special care to hold their children's hands when they go take bath at Radhakund. Manjari, one song. Ganava can come and help her. Hare Krishna. एक माइक काले रंग का माइक्रोफोन नहीं मिल रहा है, किसी कीर्तनिया ने नहीं लिया, उसके ऊपर शोर लिखा हुआ है काले रंग, किसी कीर्तनिया ने लिया हो तो बोले. We cannot find one microphone which is specially for Gurudev.